नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? सो गए क्या? सो गए? उठो, मेरा तो पसीना निकल गया। आउच! सारी थकान दूर कर दी स्वीटहार्ट। सुनो सुनो, जरा आओ। हमारा पाप हजाम था क्या? यू बास्टर्ड! ये सुनिया सुनिया, ये क्या कर, सुनिए क्या कर, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। जस्ट यू आर कॉम्प्लीमेंट, ये तुम अच्छी अच्छी मालिश करते हो। अरे सुनिया तो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, सुनिया सुनिया, वार्निंग यू, मैं कूद जाऊंगा। अरे यार, अरे इतना महंगा तेल खराब कर रही है कमक, मुझे बर्बाद कर रही है। और क्या, मेरी इज्जत कहां जाती है? ये मेरे तौलिया के जगह कोई दरवाजे पे आया। आई टोल्ड यू, देखो ना कौन है, घंटी बज रही है, सुनिए। मैं देखता हूं। बहुत मस्ती चली है क्या? कौन है भाई? तेरा बाप साले, जल्दी खोल। आ रहा हूं, आ रहा हूं, जल्दी कर, बोलता हूं, एक मिनट। आज बहुत बुखार चढ़ा है क्या? हां ठीक है, ऐसे जरा आ रहा। तुम्हें हजार बार कहा है ये नौकरी छोड़ दो, टीचरी भी कोई पेशा है। हमें बच्चे बहुत पसंद, हम बेकार घर पे नहीं बैठते, उनके साथ हमारा वक्त कट जाता है। तुम्हें बेकार बातों का शौक है, तुम्हें घर के काम काज में दिलचस्पी लेनी चाहिए। और अगर बच्चों का इतना ही शौक है तो जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन हमें ढेर सारे बच्चे चाहिए, इसलिए हम टीचर बन गए।
आपके लिए, ये आप, ये आप, थैंक यू कौन बोलेगा? वेलकम वेलकम टीचर, वेलकम। आप तो आइसक्रीम नहीं खाएंगे? खाऊंगा। अरे आपको तो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, सब खा जाऊंगा। सब खा जाऊंगा, सब तो नहीं मिलेंगी, हाँ दो दे दूंगी। थैंक यू नहीं बोलूंगा। मत बोलिए, आप क्यों बोलने लगे थैंक यू? थैंक यू तो हम बोलेंगे। ठीक हो ना? ठीक हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं आजकल इस दुनिया में मसीहा नहीं मिलते। आप किसकी बात कर रही हैं? मेरा नाम तो भूपी है। और मेरा गीता। गाड़ी गुजरने के बाद, ओ माँ, सामने टीनू को सीने से लगाए खड़ा था वो, बस मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था। गीता, उस भले आदमी को घर ले आना था, हम लोग भी उसका शुक्रिया अदा करते। कुछ सूझा ही नहीं, बस हम उसे देखते रहे। क्या? हाँ माँ, हम बहुत प्रभावित हुए उससे। बहुत प्रभावित हुए आप? न पता पूछा, न ठिकाना, न सलाम, न दुआ, बस प्रभावित होते रहे आप। आप तो जानते हम बहुत बुद्ध हुए, बस काम की बात हमेशा भूल जाते। हाँ अम्मा, अब हमें मिलेंगे ना वो, तो हम जरूर पूछ लेंगे। रात भर सो नहीं सका। लड़की का नाम बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो मिकी, रोमांस की बात कर रहा है, बटाटा कांदा नहीं बेच रहा है। हाँ, नाम क्या है? गीता। रहती कहाँ है? पता नहीं। फिर कब मिलने वाले हो? पता नहीं। अरे तो बात कैसे बढ़ेगी? पता नहीं। अबे उल्लू की तुम, नाम पूछ के चला आया? कहाँ रहती है, क्या करती है, पता ठिकाना, माँ बाप का नाम कुछ भी नहीं मांग? अरे भाई साहब, रोमांस में माँ बाप जरूर आते हैं, शादी के पहले आते हों या बाद में, उल्लू के पट्टे आते जरूर हैं। क्यों? मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि उसका नाम गीता है। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए कि चाय के साथ दो एनासिन भी खाइए और घर जाके सो जाइए। अरे मिक्की, ऐसे क्यों बोलते हो? तुम्हें इश्क हुआ था तब दिन रात मेरे घर के चक्कर मारा करते थे। उसी चक्कर में तो घन चक्कर हो गया हूँ। मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। वो स्कूल टीचर है। वाह वाह वाह, खुल जा सिम सिम, क्या राज ढूंढ के लाए हैं ये। स्कूल टीचर है? अबे चुगत, इस शहर में 3,03,333 स्कूल टीचर्स हैं। शट अप मिकी, उनके साथ बच्चे थे? हाँ बच्चे थे। वर्दी का रंग क्या था? हल्की क्रीम रंग की शर्ट थी और हल्की ब्राउन रंग की पतलून थी। वेरी गुड, तो एक दिन में पता करते हैं। अरे जियो भाभी, तुम तो दो एक दिन में पता लगाओगी, मैं अभी पता लगाता हूँ। अजी स्कूल के पास रोकना है। यहाँ 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 जी, ये नहीं, आगे चलिए। चलो प्राजी। मैं इसका ये भी नहीं। अच्छा चलो अगला स्कूल देख लेते। देखें तो हमारे पहलवान क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे आप तो बहुत अच्छा कुतुब मीनार बनाते हैं, मैं जानती हूँ। नहीं बनाता हूँ। बना तो सकते हैं। नहीं बना सकता हूँ। ओ नहीं बना सकते, सॉरी वेरी सॉरी, आप नहीं बना सकते। बना सकता हूँ। नहीं बना सकते। बना सकता हूँ। तो हम कैसे जाने कि आप बना सकते हैं?
वेरी गुड। नहीं सदाजी, ये भी नहीं। भाई साहब, एक स्कूल इधर पिछली गली में भी आया, तो ले चलिए ना। वाहेगुरु। यही वो स्कूल जिसकी मुझे तलाश है। यही स्कूल है? है हमारे को पाई। थैंक यू। कितने हो पैसे तुम्हारे? हो गए 90 रुपए। थैंक यू सताजी, सत श्री अकाल। थैंक यू। गाले कमी नहीं इस दुनिया में, एक टूडो हजार मिलते हैं क्या? एक है गीता सक्सेना, दूसरी है गीता श्रीवास्तव और तीसरी है गीता पंडित। किस गीता जी से मिलवा दूं आपको? आप ऐसा कीजिए, तीनों को बुलवा लीजिए, अपने वाली को मैं पहचान लूंगा। आप मस्करे हैं क्या, या मुझे आप उल्लू समझते हैं? जनाब ये पाठशाला है और मैं यहां का एक कार्यकर्ता हूं, और आपको कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि आप हमारा अमूल्य समय नष्ट कर दें, समय बर्बाद करते हैं, हंसी ठट्ठा करते हैं। जानते हैं आप जैसे लोगों के बारे में इंदिरा गांधी क्या कहती है? कहां गया? तो थी कि आपसे मुलाकात होगी, लेकिन यकीन नहीं था। मुझे उम्मीद भी थी, यकीन भी था। चलें। क्या कुछ कहा आपने? नहीं तो क्या? मुझे ऐसा लगा आपने मुझसे कुछ कहा। नहीं। क्या करो? वकालत तो ठीक चल रही है ना? हाँ वकालत ठीक ठाक चल रही है। ये साला अलियन टट्टू की तरह रुका हुआ है यार, जब कोई जरूरी काम होता है ये गड़बड़ कर देता है। अच्छा, ससुराल वालों ने शादी में और कुछ तो दिया नहीं, स्कूटर पकड़ा दिया। ये लो बेटा चलाओ इसे, सवारी करो। अरे महीने में 20 दिन तो ये मुझ पे सवारी करता है। लाओ देखें इसको। यार गोपी, मुझे लगता है इसमें ससुराल वालों की जरूर कोई साजिश है। इस पर बैठकर जब भी उनके यहाँ जाता हूँ, हमारी सास पूछती है, बेटा मारा दिया हुआ स्कूटर तो ठीक चल रहा है ना? अच्छा चली गई। ये तो खोल खाल के देखना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, टैक्सी ले लो। मुसीबत है, तो टाइम खराब हुआ, ऊपर से टैक्सी का फटका। अब तुम इसे बेच भी तो नहीं सकते ना? क्यों नहीं बेच सकता, अभी बेच के दिखाता हूँ। तेरे को खरीदना है? बीवी को क्या जवाब दोगे? अरे बोल दूंगा बांद्रा की खाड़ी में गिर गया। अरे सुन, तेरे साथ सौदा पक्का, पैसों का हिसाब होता रहेगा। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे बुबी, तेरी उस टीचर के साथ मुलाकात हुई फिर? चलता हूँ।
वेटर एक। एक्सक्यूज मी सर, आई एम स्टीवर्ड नॉट अ वेटर। क्या चाहिए आपको? सादा ग्लास पानी। Could you get a glass of plain water, please? Yes, ma'am. ये चाय का कप कितने का होगा? 10 रुपए। इसीलिए वो स्टूअर्ट है। अगर 2 रुपए का होता तो वेटर ही होता, और अगर कहीं 8 आने का होता तब तो बार वाला ही था। एक अच्छी शाम की कोई कीमत होती है भूपी साहब। मुझे तो तुम किसी ईरानी होटल में ले जाकर चाय पिला देती ना, मैं खुश हो जाता। लेकिन यहाँ लाके हमें खुशी होती है, तो कोई इतराज है आपको? आपके तो भाई पापा का कमाया हुआ माल है ना, इसलिए आपको तो खर्च करने में कोई तकलीफ होगी नहीं। जी नहीं, हम खुद भी काम करते हैं। आया ख्याल है शरीफ में? गीता सर अपना पर्स तो खोलना। क्या पर्स? पर्स तो शादी पक्की? बिल्कुल पक्की। तो गीता से हमारी? अरे भाई तुम्हारी हुई, मिलाओ हाथ। ये हुई ना बात। मेरे ख्याल से एक बार गीता से पूछ लेते तो। अरे मैंने उस उल्लू के पट्टे से नहीं पूछा जो अमेरिका में बड़ा हुआ है, लड़की से क्या पूछना। कक्कर ठीक कह रहा है शारदा, माँ बाप बच्चे की भलाई चाहते हैं, और फिर कक्कर के घराने के साथ हमारे पुराने संबंध है। हाय गीता। हाय यार। ओ माय स्वीट हार्ट, हम तो शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम थी कहाँ? देखो हम तुम्हारे लिए क्या चीज लाए। दिस इज गॉर्जियस। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। बिटिया, हमने तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी किस्मत का फैसला कर दिया। आपको ये अधिकार किसने दिया? स्वीट हार्ट, अधिकार मांगने से थोड़ा ही मिलता है, अधिकार तो छीना जाता है। फैसला क्या हुआ? तुम्हें हमारी बहू बनने की सजा दी जाती है। जुर्म क्या है? लड़की जात है तुम्हारी। अम्मा भी शामिल है इस फैसले में? तुम्हारी माँ की राय किसने ली? स्वीट हार्ट, इट्स ए मैन्स वर्ल्ड। नो अंकल, ये मर्दों की नहीं, बूढ़े मर्दों की दुनिया है। Cheers to that. सुनिए, भूपिंदर सिंह जी यहाँ रहते हैं? आइए बहन जी, भूपिंदर सिंह यहीं रहते हैं, आइए आइए ना। आप ठहरिए, मैं चाबी लेकर आती हूँ। आइए 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 ना। बैठो बैठो ना। आप पड़ोस में ही रहती हूँ, छड़ा छांट है ना, उसके सारे काम मैं ही करती हूँ। भाभी एक साड़ी खरीद दो। अच्छा अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई। अच्छा एक एक कप चाय और पीते हैं, फिर साड़ी खरीदने जाते हैं। अरे गीता, मुझे तो अभी रास्ते में पड़ोसन ने बताया, कब आई तुम? अभी अभी। क्या बात है गीता, घर पे कुछ हुआ है? क्या हुआ? अगर हम दोनों ने जल्दी फैसला नहीं किया तो पापा हमारी शादी कहीं और कर देंगे,
फिर हम आपसे कभी नहीं मिल सकेंगे। तुमने क्या सोचा है? हम आपके पास किस लिए आए हैं? मुझे गलत मत समझना गीता, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। मुमकिन है जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं। हमने आपसे प्यार के सिवा कुछ मांगा है? अच्छी तरह सोच लो गीता, इस रास्ते पर चलने के बाद लौट कर जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जानते हैं, आप अपना फैसला सुनाइए। यह है मेरा फैसला। पापा, हमें आपसे एक बात करनी है। मैं बिजी हूं। जरूरी बात है। फिर कभी कर लेना। पापा, हम एक लड़के से मिले हैं। जानती हो तुम क्या कह रही हो? हम अच्छी तरह जानते हैं। यह हम कहने वाली आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। हम ऐसे ही हैं पापा। तुम्हारी जिद है गीता, बदलो इसे। हम बदलना नहीं चाहते। सुन रही हो शारदा? पहले उससे पूछ तो लीजिए वो क्या कहना चाहती है। अम्मा, बस हम इतना चाहते हैं कि पापा उनसे एक बार मिल लें। हम उनको बहुत प्यार करते हैं। क्या करता है वो? कौन है? कहाँ रहता है? रेफ्यूजी है। अपना एक छोटा सा गैराज है पंजाबी कैंप में। माँ बाप नहीं है, ज्यादा लिखे पढ़े भी नहीं है, जरूरत के मुताबिक कमा लेते हैं। क्या ये वही लड़का तो नहीं जिसने बच्चे की जान बचाई थी? हाँ अम्मा। डैम इट, तुम दोनों औरतें क्या बकवास कर रही हो? रिफ्यूजी, अनाथ, अनपढ़, मोटा गैराज, ये क्या वाहियात बातें कर रही हो तुम? मुझे जानती रही हो क्या? हम सच बोल रहे हैं पापा, वो बहुत अच्छे इंसान है, हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। चुप रहो, मैं उन बापों में से नहीं हूं जो अपनी औलाद के नाज रखने बर्दाश्त करते हैं। मेरे गुस्से को मत आजमाओ, खाल खींच के रख दूंगा। फिर भी हम यही कहेंगे, आप उससे एक बार मिल तो लीजिए। खामोश हो जाओ, बहुत सुन चुका। और तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी, कोई वास्ता नहीं रखोगी, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। आज के बाद तुम्हारा घर से निकलना बंद, बहुत सड़ गई है। हेलो प्रिंसिपल साहब हैं? प्रिंसिपल साहब, मैं राम स्वरूप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी हाँ, गीता का बाप। कल से गीता स्कूल नहीं आएगी, किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लीजिए। गुड नाइट। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। आया साहब। चौकीदार जी साहब, आज के बाद गीता घर से बाहर नहीं जाएगी। अच्छा साहब। और कोई उसे मिल भी नहीं सकता है। जो हुकुम साहब। शारदा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। भाई मजा आ गया। तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई है कक्कर। हमारा मजाक अगर चला गया जिंदगी से तो रहा क्या श्रीवास्तव। लो बेटे चाय पी लो। चाय दो ना जल्दी से, गर्मा गर्म। चाय के बाद नहा लो बेटे, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जी अच्छा। भाभी जी, गीजर ऑन कर देना, मैं तो नहाकर सो जाऊंगा। श्रीवास्तव, घर में गीजर है ना? आपकी मेहरबानी है कक्कर साहब, छोटा मोटा आईएएस ऑफिसर। बुरा न मानना, पहले हम दोस्त थे, अब समझी हो गए हैं। पर हम हैं लड़के वाले, तो लात तो हमारी ऊपर रहेगी। बेटे मैंने टॉवल भर दिए हैं, पानी अभी गर्म हो जाएगा। गीता कहाँ है? हाँ हाँ भाभी, गीता कहाँ है? लड़का मिलना चाहता है, बुलाओ ना। बुलाती हूँ। अरे गीता, अभी बुलाती हूँ। बेटे गीता, 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 कमाल है। गीता,
क्या बात है? सुनिए क्या हुआ? हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रह गया था। आप हमारी बात कभी न मानते। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। हमें एक ही अफसोस है, हम आपका, अम्मा का प्यार खो चुके हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी बेटी गीता। क्या हुआ? क्या हुआ श्रीवास्तव? कक्कर साहब, गीता ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मुझे आपके सामने शर्मिंदा किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। देखो अभी वक्त है, हमें उसका पता लगाना चाहिए। वो लड़का पंजाबी कैंप में रहता है। गणपति गंगवामय प्रियानंद स्वा प्रियपति गंगवामय मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम अब बेटे वधू के गले में तू भी माला पहना दे। श्री और श्रीमती भूपी प्रसाद। अच्छा बेटा, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब थोड़ा सा कारोबार भी बढ़ा लो, समझे? अब ये ओवरटाइम वर्कशॉप में नहीं चलेगा, ओवरटाइम घर पे करना पड़ेगा। सोनिया, कम अलोंग, लेट्स गो। अच्छा चलो, इनको जाने बात है गीता? गीता पदार्थ तो से क्या बात है?
पापा मम्मी की याद आती है। मैं समझता हूँ गीता, आज उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता तो जिंदगी कितनी अच्छी होती। अब वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमने उनको बहुत दुख दिया है भूपी, बहुत सताया, उनकी सारी खुशियां उजाड़ दी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त। आप पापा को नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है, हमको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे गीता, बार बार कोशिश करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे, उनके आगे सर झुकाएंगे अपना। देखो तुम्हारे सिवाय मेरा तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं, है ना? हिम्मत रखो, हौसला रखो।
परेशान मत कीजिए, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। क्या बचपना है भूपी? अरे बचपना मैं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो? हाँ हम कर रहे हैं। अब उठिए। कहा जो हमें अपने बच्चे से बात करनी है, उसको प्यार करना है, उसको हंसाना है। कोई सुनेगा तो पागल कहेगा, बच्चा हुआ नहीं और बेटू की बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा, तो ये बेटू की बात है? यानी भारत वर्ष की महान परंपरा को तो तुम जानती नहीं? अभिमन्यु का नाम सुना है कभी तुमने? सुना है। तो फिर चक्रव्यूह का ज्ञान उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? अपनी माता के गर्भ से। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हमारा बच्चा सुन रहा है, मैं तुमको छूता हूँ, हमारा बच्चा महसूस कर रहा है, अब मैं तुमको गुदगुदी करता हूँ, हमारा बच्चा गुदगुदी महसूस कर रहा है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं गुदगुदी करता हूँ, गुदगुदी होती है, गुदगुदी होगी। अब तुमने करवट ली, अब मैंने करवट ली, अब हमारे बच्चे ने करवट ली। देखो, अब तुम हंस रही हो, अब मैं हंस रहा हूँ, हमारा बच्चा हंस रहा है, गुदगुदी हंसी करवट गुदगुदी करता होगी, गुदगुदी हंसी करवट। ये तो मत रखो भूपी। ये सब कैसे हो गया भाभी? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो गीता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी भाभी। हौसला रखो, अगर तुम हिम्मत हारोगे तो गीता का क्या होगा? हम सिर्फ मां को ही बचा सके हैं, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन वो अब कभी मां नहीं बन सकेगी। नहीं, छह महीने तो हो चुके। हमारे बस में नहीं है तो हम क्या करें? मैं भूलने को तो नहीं कह रहा हूं ना गीता, याद करने से जान जाती। मैं समझता हूं गीता, लेकिन अतीत के इस गम को कब तक सीने से लगाए रखोगी तुम? भी पानी न बरसे तो जमीन बंजर हो जाती है, लेकिन बारिश हो
तब भी जमीन बंजर रहे तो इस मिट्टी का क्या करे कोई। गीता, वो एक सपना था, तुम्हारा मेरा भी, हम दोनों का। अब वो सपना टूट चुका है। इस टूटे बिखरे सपने का गम कितने दिनों तक मनाओगे तुम? वो भी हम बिखर चुके, कभी कभी सोचते हैं हम मर जाएं। ये जलील ऐश आप ही को मुबारक हो। शराब को गाली देता है, है? उर्दू के शायर क्या बोलेंगे? हमें तो मजा आ गया। दरअसल आदमी को चाहिए क्या है? एक छोटा सा घर, एक बेवकूफ बीवी। ओह सॉरी गीता जी, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आपका इशारा मेरी तरफ था, शुक्रिया। यू वेलकम। आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी तारीफ करते रहेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। यही थी ना, तो जरा नजदीक विराट। गीता चलो ना, मजा आएगा। अबे उठ, कपड़े उतार, अंदर चल। मैं इसकी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ जो औरतों के सामने नंगा घूमू। अरे तो पैदा हुआ था कपड़े पहन के। अरे तो फिर ये जरा सी शर्म क्यों बाकी रखी है? वो भी उतार के फेंक दो ना। गीता का ख्याल है, वरना ये जरा सी शर्म भी उतार के फेंक देता। आप जाओ ना खुशी, यहाँ बैठ के क्या करोगे? रेत का घर बनाऊंगा तुम्हारे साथ। फायदा? नुकसान? रेत का घर ठहर जाए। मैं फिर बनाऊंगा? फिर ठहर जाएगा। तुम तो जानती हो गीता, मैं आगे की सोचता ही नहीं, बस बनाने तक की सोचता हूँ। लगता है मियाँ बीवी में कोई बहुत गहरी बातें चल रही है। भाई लोगों, अगर कोई नतीजे पर पहुंचो तो हमें बता देना, वैसे ईश्वर मदद करता है। गॉड ब्लेस यू। पंखा लगता है जॉर्ज पंजम ने बनवाया था। डिस्कवर तुमने किया था, लेकिन भुगतना तो हमको पड़ रहा है ना। अरे ये गेम कहाँ आखिर रुक गई भाई? गीता, अरे वाह, अब जाकर जान बचिए, नहीं तो सीक्वेंस भी नहीं बना था। गीता को दुआएं दो, नहीं तो फुल हैंड जाता। अरे भाई, पत्नी हमारी आखिर कुछ तो ख्याल रखेगी। गुड डे सर, गुड डे एवरीबॉडी। गुड डे स्वीराट। क्या नाम है आपका? रोजी सर। रोजी, वेरी स्वीट नेम। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। एनीथिंग एल्स सर? नो नथिंग एल्स रोजी। क्या है, बीवी साथ में है ना? सी यू सर सून। देखा पुप्पी, क्या पटाखा चीज है यार, आउटिंग में आदमी को बीवी को साथ नहीं ले जाना। ये तो वही बात हुई कि आप होटल में खाना खाने जाइए और टिफिन का डिब्बा साथ में लेके जाइए। बहुत बदमाश हो। अरे भाई, ये गेम हो रही है कि योगा की क्लास? ऐसा नहीं करते गीता। हम क्या करें भूपी, हमारे बस में कुछ नहीं। हम जानते आप सब हमारे दिल बहलाने के लिए हमें यहाँ लाए, लेकिन हम क्या करें? हम समझते क्यों नहीं, हम पर आसमान टूट पड़ा है, हम चूर चूर हो गए, हाथ पांव टूट चुके हैं सोनिया, दिमाग बिल्कुल खाली डब्बे की तरह सपाट हो गया है, हाथ उठता नहीं बिकी, जैसे तन बदन में शीशा भर गया हो। हम क्या करें भूपी, हम अधूरे, हमें हमारा बच्चा चाहिए, हम बच्चे के बगैर नहीं जी सकते भूपी, हम बच्चे के बगैर मर जाएंगे। सर, आप मुझे सनीचर को फोन कीजिए, मैं देखता हूँ। मेरे बच्चे मुझे दिला दीजिए वकील साहब। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा नमस्ते।
हाँ भाई पुप्पी, चाय वाय पिएगा? पी लेंगे। इंदिरा बाबू के हाथ दो चाय भेजना प्लीज। कुछ काम था यार, मैं गीता की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने सोचा था वक्त के साथ साथ अपना गम भुला देगी, लेकिन उसका गम तो बढ़ता ही चला जा रहा है। सारा वक्त खोई खोई सी रहती है, न खाने पीने की सुध है, न सेहत का कोई ख्याल है। इस तरह तो मुझे डर है मेरी इस तरह मर जाएगी वो। सिवाय बच्चे के उसे कुछ सोचता ही नहीं। अब तुम बताओ मैं बच्चा उसको कहां से लाके दूं? तुम लोग बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या मतलब? सीधी सी बात है, कानूनन एक बच्चा गोद ले सकते हो। यानी मिकी तुम्हारे कहने का मतलब? आओ बाबू आओ। बाबू ये हमारे दोस्त हैं पुप्पी साहब। नमस्ते साहब। इनका गैराज है मोटर गाड़ियों का, 3-4 हजार रुपया महीना कमाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मिकी? सुनो जी, तुम्हें मेरा कितना कर्ज चुकाना है? ये 350 रुपए। कब अदा करोगे? साहब इस जिंदगी में तो बहुत मुश्किल है साहब। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ये 5। सबसे छोटे वाले की उम्र कितनी है? ये बच्ची है, कोई 2.5 साल की उम्र है। क्या अपने बच्चे इनको दे दूं? क्या बोलते हो? ये लोग बड़े होंगे तो अपने घर के। शांति जरा सुनो तो। वह मानुस है घटिया, एकदम पतले आटे के माफिक। हाँ बेटा हाँ, जानवर भी अपने बच्चे को नहीं देता। कुतिया के बच्चे को हाथ तो लगाकर देखो, मुर्गी के बच्चे को आंख उठा के देखो, नोच खाएगी। मैं तो औरत हूं, गरीब हुई तो क्या हुआ? मैं तुमसे कभी भीख मांगने आई हूं? भांडी बर्तन मांजूंगी, चाकरी करूंगी? मेरी बच्ची को कोई लेकर तो जाए, हाथ तो लगाए, कच्चा खा जाऊंगी। मैंने उसे पैदा किया है, मेरी हड्डी मां से बनी है वो। 9 महीने पेट में रखा है, दुख सहा है, दर्द उठाया है, और तुम लोग बोलते हो तुमको दे दूं? वाह, चलो सुन, वाह, चलो, वाह साहब लोग, वाह। जाओ जाओ उधर आना था शर्म में, जाओ जहां बच्चे बिकते हैं, जाओ जाओ, रास्ता पकड़ो अपना। बड़े आए बच्ची मांगने वाले। लीजिए श्रीमान, लीजिए श्रीमती जी। ये क्या है? क्या है? मीनू कार्ड। मीनू कार्ड? नहीं समझे, आप लोग होटल में जाते हैं तो वहां मीनू कार्ड मिलता है, नहीं क्या? वहां दर खाने की कीमत साफ साफ लिखी रहती है। तंदूरी मुर्गा 18 रुपए, रोगन जोश 9 रुपए, दाल मखनी 5 रुपए, नहीं क्या? इस तरह हमने बड़े जतन के साथ ये मेनू कार्ड तैयार किया है। हर आइटम की वाजबी कीमत बहुत सोच समझ के लगाई है। जैसे अंधे बच्चे का 500, काने का 1000 रुपया, एक टांग वाले यानी लंगड़े का 1000, बगैर टांग वाले का 500, अच्छे भले का 2500, चिक्कट काले का 500 रुपया कमती और गोरे का 500 रुपया जास्ती, और अच्छे भले घर के अनाथ। क्या बकते हो तुम? आदमी हो कि जानवर? बच्चे के सर की कीमत लगाते हो? ये अनाथ आश्रम है या व्यापार का अड्डा? अरे कुत्ते के बच्चे पर पैसा खर्च कर सकते हो, बिल्ली का बच्चा खरीद सकते हो, इंसान के बच्चे पर पैसा खर्च करते हुए तकलीफ होती है, नहीं क्या? अरे कौन हो भाई, कहां से आए हो? कुछ मालूम है आप लोगों को अपने देश के बारे में? भूपी साथी को मार डालो, खून कर दो इसका, मार डालो इसे भूपी, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, पता नहीं हम क्या कर देंगे। चलो मार डालो इसे भूपी, निकाल दो इसे यहां से बाहर। चलो चलो। अब सारा दिन तो मैं उनके साथ नहीं रह सकता ना डॉक्टर साहब। घर में कोई बाल बच्चा है आपके, भाई बहन का या फिर किसी रिश्तेदार का? मेरे अलावा घर में और कोई आदमी नहीं है। असल में औरत बुनियादी तौर पे माँ होती है, और जब वह बच्चा नहीं पैदा कर पाती तो अपने आप में कमी महसूस करती है, इसे अपनी हार मानती है। तो इसका कोई इलाज तो होगा ना डॉक्टर साहब? मेरी तो समझ में नहीं आता, सारा दिन खोई खोई सी रहती है। वो इस वक्त कांच की तरह है, उनका बहुत ख्याल रखिए। वो किसी चीज में दिलचस्पी लें
खास तौर पे उन्हें कोई बच्चा अच्छा लगे तो उन्हें रोकिए मत। जी अच्छा। उन्हें घुमाइए फिराइए, उनका मन बहलाए रखिए बस। और डॉक्टर कहीं भी उठकर चल देती है। कोई बात नहीं, वो जहाँ कहीं भी जाना चाहे आप जाने दीजिए। जरा बैठने की जगह दे। अच्छा, दो आदमियों की जगह है। ओए, दो आदमी की जगह हम जानते हैं, तीसरा बैठ जाएगा जगह टूट ली जाएगी तुम्हारी। निक्की निक्की पुत्र आजा 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 मेरे को आजा आजा आजा, तेरे को खिड़की के पास बैठना ना, आला खिड़की के पास बैठ जा। जरा देखो तो जी, कोई रह तो नहीं गया, उठो ना। वही उठा कितना, आप तो फैल के बैठ गई हैं। मुन्नी मैं बैठी हूं भैया। अच्छा अच्छा, ओए लड्डू क्या हूं भैया, ऐडा कोई पला मांस नहीं जो रह जाएगा इधर। आए कैसे बापू जी, तू बड़ी वड्डी माँ है। स्टॉप पे उतर जाना। लाला जी हाँ, ये बच्चे आपके हैं? हाँ मेरे हैं। तेरे को क्या लेना देना, तू टिकट काटना। लेकिन कितनी काटूं? दो वड्डे तो 12 आधे। दो बड़े 12 आधे। हाँ ये लड़की आप ही की है ना? कह दिया ना मेरी है। इसकी उम्र कितनी है? और तेरे को शर्म भी आती लड़की की उम्र पूछते हुए? इसकी पूरी टिकट लगेगी। और हम आज नए नहीं बैठे बस में, हमको 18 साल हो गए बस में घूमते हुए, और हमने हमेशा इसकी आधी टिकट ली। भैया पूरी टिकट ले लो ना। चुप कर ना, बढ़िया ही पूरे टिकट वाली। और टिकट देना था दो, नहीं तो आगे बढ़ो। कहाँ जाना है लाला? रानी बाग। अच्छा तो रानी बाग, यानी के चिड़िया घर, दो पूरी और 12 आधी। लाला जी रानी बाग ही रह जाना, बहुत अच्छी जगह ढूंढी है। अरे अपने बाप को भी वहां भेज देना, अरे मजाक करता बुढ़े आदमी के साथ। धन्यवाद। अरे जल्दी करो। ए बुढ़े, इतने बच्चे काहे को पैदा किए थे? तेरे को और कोई काम नहीं है क्या? अबे तेरे बाप का खाते हैं सूअर के बच्चे हरामजादे। जाओ जाओ रानी बाग जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार उधर इंतजार कर रहे हैं, जाओ। अबे तेरी तो मैं अच्छी तरह गिन लो, पूरे है ना? और तू ही गिन ले, तूने तो पैदा किए हैं। हाँ जैसे मैंने अकेले ही पैदा किए हैं। और नहीं तो नीलू सोनू, अरे बेटी तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहे हैं? लड्डू नहीं है क्या? और लड्डू को रो रही है या क्वाली का प्रोग्राम कर रही है? आए मेरा लड्डू। लास्ट स्टॉप लास्ट स्टॉप लास्ट स्टॉप, चलो उतरो उतरो उतरो। बच्चा सामान का एक नग तो यही रह गया। अरे इसे तो लॉस प्रॉपर्टी में जमा कराना पड़ेगा। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसको जानते हैं, हमारे घर की पिछली गली में ही रहता है। तुम सच बोलता है ना? हम क्यों झूठ बोलेंगे, इसका नाम लड्डू है, हम जानते हैं इसको। अच्छा जानती हो ना, तो फिर ले जाओ जाओ। मेरे को दीदी के पास जाना है। क्या हुआ बेटे? मेरे को दीदी के पास जाना है। चलते हैं लड्डू, दीदी के पास चलते हैं। चलो। देखो लड्डू, अभी बाहर अंधेरा है ना, कल सुबह जाएंगे। मेरे को नहीं सोना है। हमारी बात मानो लड्डू। मेरे को नींद नहीं आती। कैसे नहीं आएगी, हम सुलाएंगे अपने लड्डू को, निंदिया रानी आएगी लड्डू को सुलाएगी। हुँ?
खुश दिखाई दे रही हो। हुआ क्या है? अरे बात क्या है? लेकिन बताओ तो सही। लेकिन क्या? ये किसका बच्चा है? हमारा। तुम्हारा? हाँ। और इससे पहले? अपने माँ बाप का, लेकिन अब हमारा है। तुमको कहाँ मिला ये बच्चा गीता? बस में रह गया था। अच्छा किया जो घर ले आई। हम जानते थे आप यही कहेंगे। अगर किसी चोर चक्के के हाथ पड़ गया होता तो बेचारी की जिंदगी तबाह हो जाती ना। हाँ, कैसे कैसे लोग फिरते ना भूपी, बच्चों के हाथ पांव काट के उनको भिखारी बना देते हैं। अब सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है। हाँ, आप बेकार के सवाल मत करिए। हाँ, हम नहीं सुनेंगे। नहीं, इतना बेकार का सवाल तो नहीं है गीता, लेकिन अगर तुम नहीं सुनना चाहती तो मैं नहीं बोलता हूँ, खामोश हो जाता हूँ। हाँ, खामोश रहिए। अच्छी बात है, मैं खामोश हो जाता हूँ। चलो खाना खिला दो। अच्छा कहिए, हम सुनेंगे। तुम्हें इतना खुश देखने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। हम सुनेंगे, आपकी सारी बातें सुनेंगे, चाहे बाद में रोते रहे। तुम जानती हो गीता, मैं तुम्हें रोते हुए देख ही नहीं सकता। अच्छा नहीं रोएंगे, बर्दाश्त करेंगे। एक माँ होगी जिसका ये बच्चा है। उसके बहुत से बच्चे हैं, हमने अपनी आंखों से देखे, नहीं तो हम उठा कर न लाते। इसका मतलब तो ये हुआ गीता कि जिसके बहुत से बच्चे हों वो माँ अपने बच्चों को प्यार ही नहीं करती, या फिर वो नफरत करने लगती है अपने ही बच्चों से। गीता अंदाजा लगा सकती हो इस वक्त, ठीक इसी वक्त उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो लाला जी कहाँ रहते हैं जिनका बच्चा खो गया? वो सामने वाले मकान में। अरे खो गया है, कोई मर तो नहीं गया? क्यों लड्डू का स्यापा कर रही हो? देखो बेटो, ये बाप है कि कसाई, बच्चे की फिक्र नहीं, ऊपर से दारू चढ़ा रहा है। तेरे बाप की नहीं पी रहा, अपनी कमाई की पी रहा हूँ। देखो ये कमाई करके लाता है, बच्चों को दो वक्त खाना नसीब नहीं होता। बड्डी काम ना करे तो सब भूखे मर जाए, ये तो जो कुछ कमाता है पीने में उड़ा देता है। वो दिन कितना खराब था जो इसके साथ भी आई गई। तो अब छोड़ देना पिंड मेरा, ले जा भोज को अपने साथ। भैया शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? ए बट्टी, एक पुट्ठे हाथ का थप्पड़ दूंगा। और कर भी क्या सकते हो। ओए आराम ना खाओ रामियो। जैसे हम बस उतरे, अरे कोई मर गया जो मातम करने आई हो? घर में कोई धंधा नहीं, कसम छोड़ गए कमबख्तों को। चुप करो जी। अरे बच्चा मेरा गुम हो गया है, तुम लोगों को क्या? तो मर्द हूँ, अरे चाहूँ तो आधा लजन और पैदा कर सकता हूँ। लुड़ जाना ना, उठो यहाँ से, चलो चलो फुटो। देखो तो मर जाना क्या बकता है, एक तो पूछने आए ऊपर से गाली। दफा करो जी, वो कमीना है, निबटिया पुलिस नो खबर कर दे, पाया तेरा कुछ करने वाला नहीं है। हम बता ही नहीं सकते भूपी, कितना गंदा कितना बुरा था लड्डू का बाप, देख कर मतली आती थी, दिन दहाड़े शराब पी के झूल रहा था। मुश्किल से तो घर मिला, और घर देखो तो कचरे का डब्बा। भूख का ये हाल कि रोटी आती थी तो 10 टुकड़े हो जाते थे। हम आपको बता ही नहीं सकते भूपी, अनाथों की तरह बच्चे अधनंगे भूखे बेहाल पड़े थे, समझो नरक था नरक। तुम लड्डू को साथ क्यों नहीं ले गई? हम जो कह रहे हैं आप समझे नहीं? समझ रहा हूं, और कुछ कुछ तुम्हें भी समझ रहा हूं। दरअसल तुम लड्डू को लौटाना ही नहीं चाहती। देखो गीता, ये
हमको कुछ नहीं सुनना। बस नंबर क्या था? 5। 5। वक्त? कुछ 11:30। 11:30। दिन? शनिवार। शनिवार। तारीख? 23। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालेंगे। कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? जी शायद एक है, ढूंढ कर लाऊंगी। अच्छा ये बात है, तो ये लो। लड्डू फिर से जीत गया, हम फिर से हार गए। हाय बहन जी, बड़ा प्यारा बच्चा है। हाय बहन जी, नजर न लगा देना हमारे बच्चे को। किसका है? हमारा है। अब मजाक कर रही है बहन जी। आप मजाक समझती हैं बहन जी? कल तक तो नहीं था, आज कहां से आ गया? चोरी का है। चोरी का? एक हमें भी ला दो ना। आप अपने पति से खेलिए ना, वो भी तो बच्चन जैसे हैं। हाय बहन जी, आप बहुत मजाक करती हैं। सिर्फ आप ही से आदत हो गई है। पर शक्ल तो आपसे मिलती है। हमारी बहन का बच्चा है तो क्या हमसे शक्ल नहीं मिलेगी? ओ, मैं तो समझी थी सचमुच चोरी का है। अरे कहाँ हो? हाय बहन जी, वो आ गए। चुड़ैल। मिला बच्चा, मिला पालब पालब बच्चा। लड्डू। फूफी आ गए। चल भागो। ता 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 लड्डू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वहां से देंगे, जल्दी भाग के जाओ। लड्डू चुपचाप। लड्डू कहाँ है? लड्डू कहाँ है भाई? लड्डू, लड्डू, लड्डू ने हमको डरा दिया, लड्डू ने हमको डरा दिया, लड्डू ने हमको डरा दिया। दाढ़ी चुपती है। अरे बाप रे बाप, दाढ़ी चुपती है। भूपी छोड़ दे, दाढ़ी चुपती है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, हम नहीं छोड़ेंगे। भूपी, भूपी छोड़ियो से, दाढ़ी चुपती है। आओ जो मेरे बच्चे, आओ जो। कहाँ चुपती है दाढ़ी आपको? कहाँ चुपती है? आले, और कहाँ चुपती है? हाँ, और कहाँ चुपती है? आले, मेरे बच्चे को दाढ़ी चुपती है। मेरे बच्चे को दाढ़ी चुपती है। ये लो। क्या कर रही हो? ये हाथ में क्या है? शेव का सामान है? क्या? लड्डू को दाढ़ी चुपती है, हम आपकी शेव करेंगे। शेव करेंगे? भूपी, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, शेव तो आपको करनी ही पड़ेगी। अरे ये कोई तरीका है? हाँ हाँ, ये गलत है गीता। ये सही है भूपी। ये तो जुल्म है। जुल्म सहना होगा है? लड्डू की खातिर जुल्म सहना होगा। सारे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम नया इतिहास लिखेंगे। अरे देखो, तू लड्डू को आदत हो जाएगी गीता, तुम्हें भी तो आदत होगी ना? नहीं है? हम आपकी पत्नी हैं, हम सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे पे ये अन्याय नहीं हो सकता भूपी। लोग क्या कहेंगे गीता? जोरू का गुलाम। नहीं, आप जोरू के गुलाम। तो बोलिए बनाए। कोई इतनी घबराने की बात नहीं है भूपी। मैं किसी को वो नहीं दिखा सकूंगा गीता। इतने तो अच्छे लगोगे, देखना। मारेंगे? मारेंगे नहीं सरकार, सलाम करेंगे, सलाम। अब जरा सीधे बैठो। देखो हिलो मत, मेरे मुंह में जा रहा है ना। आहा, अब ये जरा टुई। अब एक और बार जरा टुई। तुम खुद ही करो ना। तुम सिर्फ आईना पकड़ो, लाओ मुझे। तो कुछ भी कहो गीता, प्यार में किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी हो।
लैला मजनू शिकरा धीर राजा किसने प्यार में दाढ़ी जब मुंडवाई होगी। मानते हैं सरकार मानते हैं। अरे वाह अब जरा नहा के तैयार हो जाओ, हमको शाम मिकी के यहाँ जाना लड्डू के साथ। मेरे लिए तो एक बुरका मंगा लो, ऐसी शक्ल लेके मैं मिकी के यहाँ नहीं जा सकता। बेकार नहीं बंदर का सर मुंड रहा है। काम कर रहा हूँ, ये कटिंग जमा कर। हर इतवार ये उल्टा सीधा काम लेके बैठ जाते हैं। बोल मत करो यार। भूपी के यहाँ चलते हो? हाँ चलते हैं, चलो तुम तैयार हो जाओ। तुम भी कुर्ता बदल लो, देखो फटा हुआ है। हाँ फटा हुआ है, नया कुर्ता। देखो ना। एक लपड़ दूंगा साली। गाली देना तो आता नहीं साली, साली भी कोई गाली है। सुनिए काम करने दो ना प्लीज। मुझे क्या है, मरो हटा हुआ पहनो या ये भी उतार दो। फाड़ा है ना, लो 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 ये लो ये लो ये लो और ये लो, बस खुश रहो। अब तो भाओ यहाँ से। हाय कितने हैंसम लग रहे हो। भूपी मुंह क्यों छुपा रहे हो, इतने तो अच्छे लग रहे हो आप। उल्लू लग रहा हूँ। उल्लू नहीं मुंह मत छुपा छोड़ो। हाँ देखा कैसे घूर रहा था वो लड्डू को। क्यों घूरेगा वो लड्डू को, बच्चा है वो, लोग बच्चे को देखते नहीं, देख रहा था वो। ठीक चले। हाँ। अब ठीक हो जाओ। कमाल हो गया, हम तुम्हारे घर आ रहे थे। आपने याद किया, हम आ गए। ये लो। इसमें क्या है? गैस, दाल वाली पूरी और दम आलू। ओह वाह राइट। मिकी भाई सब कहाँ है? कौन है? अरे ये क्या हाल बना रखा है उल्लू की, तो हर इतवार कोई ना कोई सॉन्ग जरूर रचता है। अरे अरे तेरी दाढ़ी चिकने, बोला था शादी के बाद कट जाएगी। ये क्या हो गया? क्या हुआ, दाढ़ी कट गई ना? तुमने किया होगा। यहाँ इनके लिए। ये नया मेहमान कौन आ गया भाई? ये मेहमान नहीं, हमारा बेटा है, इन्हीं को तो मिलाने लाए हैं। यहाँ आओ।
हेलो हेलो सोनिया हमारी चाय ऊपर भेज दो, हम दोनों जरा छत पे जाते। ओके बेटे तुम्हारा नाम क्या है? लड्डू। अरे कितना मीठा नाम है लड्डू का। मैं लड्डू खाऊंगा। ओके चलो कोशिश करते हैं। ग्रीडी बॉय। गीता ये लड्डू कहाँ से आ गया? आखिर ये मांजरा क्या है, हमें भी बताओ। पुलिस को खबर की? ये तो जुर्म है, गीता को सजा हो सकती है। मैं भी जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन क्या करूं। तुमने देखा था ना गीता की क्या हालत हो गई थी, अब इस बच्चे के आने से जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई है। अगर इस वक्त ये बच्चा उसके हाथ से निकल गया तो ना मालूम क्या कर बैठेगी वो। और इसीलिए उसके साथ मुझे भी ये सॉन्ग रचाना पड़ता है, उसकी खुशी में खुश होना पड़ता है, जैसे ये बच्चा हमेशा उसके पास रहेगा, कभी उससे जुदा नहीं होगा। ये बच्चा नहीं है मिकी, गीता के लिए ऐसे जैसे बीमार के लिए दवाई है। कोई और तस्वीर नहीं है तुम्हारे घर में? बस यही है, एक दिन सब जनों ने हैंगिंग गार्डन में खिंचवाई थी। बहुत साफ तो नहीं है। यही है ना तुम्हारा भाई, क्या नाम बताया था इसका? वो अपने आप को लड्डू के नाम से ही जानता है। देखो हम ऐसा करेंगे, फोटोग्राफ बड़ा करवा कर हर पुलिस स्टेशन भिजवा देंगे और अखबारों में भी छपवा देंगे। इंस्पेक्टर साहब कब तक पता चल जाएगा? बहुत जल्द, तुमने फोटो लाकर हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। चलो लड्डू हम लोग खेलते हैं, आपके लिए लाल मेरे लिए पीला। हाँ चलिए। चार लड्डू, तुम हमें माँ कहो। क्यों ऐसे कहोगे? क्या माँ? नहीं। अच्छा अगर हार गए फिर कहोगे? हाँ फिर कहूंगा। अब हम चीटिंग नहीं करेंगे। हम चीटिंग नहीं करेंगे। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, इन्हें तीन तीन बार लिख लेना। अच्छा मैं कल आऊंगी। थैंक यू टीचर। दीदी मैं चलती हूँ। अरे वर्दी ठहर, सुन तो। अरे तूने फीस के पैसे नहीं लिए? आपके पैसे कहाँ जाते हैं? यहाँ से मांग लिया कर, मैं भूल जाती हूँ। ठहर, सूजी का हलवा बनाया है, थोड़ा सा लेती जा। तुम दीदी रोज कुछ ना कुछ देती रहती हो। अरे पगली मैं कुछ बाहर से थोड़ी लाती हूँ, जो घर में बनता है तिल चाहता है बांट कर खाए। रात को कहाँ गई है? अरे बोलती क्यों नहीं, ठुसक ठुसक करके मुझको डरा रही है। अरे जबान पे ताले पड़ गए हैं तेरे, जवाब दे कहाँ है वड्डी? मुंह काला करके आ गई है, कहाँ गुलसले उड़ाने गई थी, मेरी इज्जत निकालने गई थी, चुटिया बांध कर बाहर फेंक दूंगा। बहुत झाड़ी चढ़ी है ना तुझ पर, बोलती क्यों नहीं वड्डी? कहाँ गई थी? ट्यूशन पढ़ाने गई थी। और कहाँ गई थी? गई थी कि अपने बहन भाइयों को दो वक्त में सही एक वक्त सूखी रोटी तो दे सकूं, और ये हलवा लाई थी, भीख देते हैं पड़ोसी, रोज कोई ना कोई झोली में कुछ डाल देता है,
रोज मैं एक नई चीज लाती हूँ इनके लिए इनके लिए इनके लिए भाइयों जो तुमने पैदा किए, मैंने नहीं। सुनते हो, ये मेरी औलाद नहीं है, तुम्हारी है। बच्चे पैदा करके तुमने समझा कि तीर मारा है, सारी बस्ती में मर्द हो तुम। इन्हें खाना मिलता है कि नहीं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, बीमार है सुस्त है, कभी खबर लिए इनकी? पैदा क्यों किया था? पैदा होते ही गला क्यों नहीं घोट डाला? लड्डू की फिक्र है तुमको, जिंदा या मर गया? जरा सा दर्द हुआ है तुमको कि तुम्हारा बेटा, अपना बेटा कहीं खो गया है? जागे रात भर माँ की जिद क्या सुनिए? तुम दारू बहुत पहुंच रहता है तुम्हें? ये लो 50 रुपए मेरी कमाई तुम्हारी बेटी की, खाओ ये हलवा, भीख में दिया गया हलवा। बाबा बारा कसाई है कसाई। ना पेपर। अरे भाई चाय का क्या हुआ मेरी? अरे बाबा ला रहे ना। अरे भाई चाय का ये रही चाय। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आज तो संडे है ना, आज तो छुट्टी है। ठीक है, दिन ही तो ज्यादा चाय पीता हूँ मैं। वैसे भी तुम वहाँ कौन सा बहुत जरूरी काम कर रही थी? हमारे लिए दुनिया में सबसे जरूरी काम है लड्डू को नहलाना। तो फिर तुम जाओ, वही जरूरी काम करो अपना। तुम नाश्ता बना दूं? अखबार पढ़ने के बाद? दिन भर अपना अखबार पढ़ते रहिए, शाम को लड्डू को जुहू ले जाना है। हाँ
प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता? और मत करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ जाकर भी क्या करेंगे? गरीबी को तो अच्छा सा खा पी लेते हैं, शाम को टीवी पर फिल्म देख लेंगे। वो क्या गया आपको? दिन भर उल्टा सीधा बोलते रहे हो, खाना भी ठीक से नहीं खाया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को कुछ नहीं हुआ। तुम ये बताओ कि जू का ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता क्या? आप जानते हैं लड्डू का कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता, फिर बार बार क्यों पूछते हैं? अब चलिए ना, हमें लड्डू के साथ रेत पे दौड़ लगानी है। अरे क्या हुआ, रास्ता भूल गए क्या? वो खड्डा है बहुत बड़ा। On your mark, get set, go, 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 and yeah, हम जीत गए, लड्डू हार गया, चार साल, कद 2 फुट 10 इंच, रंग गोरा, पिछले 8 महीने से बंबई से लापता है। वो हरी कमीज और बादामी निकर पहने था। चुड़ैल कहीं की? कौन है? बीना है। कौन?
पीना है। दरवाजा खोलो। तुम लोगों का भांडा फूट चुका है। कहती थी मेरी बहन का बच्चा है, मैंने तो उसी दिन कह दिया था बच्चा चोरी का है। मत खोलो दरवाजा, पुलिस आती ही होगी। पुलिस? रूबी, पुलिस आती होगी। वो लड्डू कम से छीन लेगी। अमर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो यहाँ से कहीं चलते हैं। कहाँ जाएंगे? कहीं भी, हमको नहीं मालूम। हम कहाँ जाएंगे? आपको चलना तो चलिए, नहीं तो हम अकेले लड्डू को ले जाएंगे। गीता, मैंने तो सिर्फ पूछा है कि हम। सामने पेट्रोल पंप है, मैं पेट्रोल डलवा कर अभी आता हूँ। वहाँ मत जाओ। अरे लेकिन बगैर पेट्रोल के आगे कैसे जाएंगे? रूबी, पुलिस आ गई तो? किसी ने लड्डू को पहचान लिया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तुम इस पेड़ के पीछे छुप जाओ, मैं अभी पेट्रोल डला कर आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। कहाँ चली गई? न सिर्फ उसे ढूंढना है बोपी, बल्कि उसे समझाना भी है कि भागना उसके खिलाफ जाता है। कानून ये बच्चा उसके पास नहीं रहने देगा। अब हम उसे बचा सकते हैं? अब हम गीता को नहीं बचा सकते। हमारी बदकिस्मती है बुप्पी कि हम तुझे ढाढ़स भी नहीं दे सकते। चल पहले उसे ढूंढते तो हैं। चल उठ। मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? तुम कहाँ हमारे साथ भटकोगी? तुम ही रहो, हो सकता है गीता आ जाए या उसका फोन आए। यार वहां भी नहीं है।
भूख लगी है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था क्या लड्डू? मुझे बहुत जोर से भूख लगी। अच्छा अच्छा, हम अभी तुम्हारे लिए कुछ लाते हैं। लेकिन देखो तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ और कहीं नहीं जाना, समझे? यहाँ बैठ जाओ। एक ग्लास दूध मिलेगा? हाँ हाँ, अभी लो। हेलो, एक केक। अच्छा, 2 रुपया 70 पैसा। पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ? बच्चा बहुत भूखा है, आप ये मंगलसूत्र ले लीजिए। नहीं 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 बेटी, ऐसा मत करो। तुम्हें दूध ले जाओ और बच्चे को पिलाओ, पैसे फिर कभी दे देना। बेचारी किस्मत की मारी लगती है। राइट, एक चाय देना, बहुत तलब लगी है। 2 चाय देना भाई। हाँ हाँ, अभी लो। क्या करते हैं इधर? चलो उठो उठो, अपना घर समझ रखा है क्या? उठ। यार इस तरह ढूंढना भी तो आसान नहीं है। अरे ये औरत तो अभी अभी यहाँ आकर गई है। क्या की बात कर रहे हो? अरे भाई, इस औरत की अभी अभी ये मुझसे दूध लेकर गई है। पहले तो उसका बच्चा भूखा है। भूमि भूमि, ये अभी आई? हाँ, किधर गई? इस तरफ। सुनो, अभी भी एक औरत यहाँ आई, एक बच्चे के साथ। तो कहाँ गई वो? उस तरफ गई है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देंगी? हाँ शोभा, जरा पानी देना, ये लो। बहन, अपने बच्चे को संभाल के रखना, अकेले मत छोड़ना। सुना है एक औरत किसी का बच्चा उठा के ले गई है। हाँ, क्या जमाना आ गया है, आजकल तो बच्चे भी चोरी होने लग गए। भाग के जाएगी कहाँ? सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? ये अभी अभी यहाँ से गई है। जहनी तौर पर बीमार है इंस्पेक्टर, अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो नीचे कूद पड़ेगी। ये मिस्टर भूपी है उनके पति, मैं उनका वकील हूँ। लेकिन वो औरत तो मुजरिमा है, मुझे उसे गिरफ्तार करना है। अब फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर, हम खुद उसे कानून के हवाले कर देंगे। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप यहीं रुकिए प्लीज। ये लोग हमारे दुश्मन है लड्डू, आपको हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन हम आपको कैसे दे दें? इतने दिनों बाद आप हमको मिले और हम ऐसे ही दे दें आपको? नहीं भूपी, हम कहाँ चले गए थे भूपी? हमको अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? ये लोग है ना, लट्टू को हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन
आप ही हमारी मदद कीजिए ना। हाँ गीता, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आप बिल्कुल चलो हमारे साथ। नीचे हम नीचे नहीं जाएंगे। वो भी देखो ये क्या कह रहे हैं, हम नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तुम नीचे नहीं जाना चाहती, नीचे नहीं जाओगी, यही रहना चाहती हो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, यही रुक जाओ, हम भी यही रह जाते हैं। ठीक है हम भी यही रह जाते हैं, हम यहाँ सो जाएंगे। और लेकिन अगर लड्डू को भूख लगेगी तो क्या करेंगे, भूख तो उसे लगेगी, वो रोएगा तो उसे क्या खिलाएंगे, उसे सर्दी भी तो लग सकती है। और फिर अगर हम नीचे ना गए तो पुलिस ऊपर आ सकती है। चलें गोपी, अच्छा यार आलस बाप ने रोटी ने हीरे जवाहरात नहीं, एक मासूम बच्चा उसकी माँ की गोद से छीन लिया। बहुत बुरा और बहुत भयानक जुर्म किया है और मुजरिम माँ को इस जुर्म की सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। दिस इज माई हम्बल सबमिशन योर ऑनर, थैंक यू। मैंने अदालत के सामने एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुमन जैन को पेश किया था और उन्होंने अपने बयान में साफ साफ बताया है कि गीता मल्होत्रा स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है, दिमागी मरीज है योर ऑनर। ये कागजात और ये रिपोर्ट जो डॉक्टर जैन ने मुझे दिए हैं इस बात का सबूत है कि इसने, गीता मल्होत्रा ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश, बहुत बड़ी हसरत, अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमी, एक बहुत बड़े खालीपन को पूरा करने के लिए, अपनी गोद भरने के लिए, यार मां बनने के लिए और सिर्फ मां कहलाने के लिए यह सब किया। गीता मल्होत्रा मुजरिम नहीं है यार, वो गुनहगार नहीं है, वो तो सिर्फ मां है। और मां बनना या मां बनने की कोशिश करना कोई जुर्म नहीं है यार, वो तो हर औरत का पैदाइशी हक है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मिस्टर चांदी शाह और उनकी पत्नी लड्डू के असली मां बाप हैं। मैं यह भी मानता हूं कि गीता मल्होत्रा ने बच्चे को उसके मां बाप से पूछे बगैर अपने पास रखा, यह गलती की, लेकिन वो उस बच्चे से जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी ममता को जिंदा रखने के लिए वो पुलिस के डर से, खौफ से भूखी प्यासी भागती रही। अपनी ममता को जिंदा रखना कोई जुर्म नहीं है योर ऑनर। मेरी बस इतनी गुजारिश है कि इंसाफ करने से पहले गीता मल्होत्रा के केस में जरा सी हमदर्दी, थोड़ी सी दया भी हमें शामिल करनी होगी। दूसरे लफ्जों में हमें इंसाफ की परिभाषा बदलनी होगी। हमें यह साबित करना होगा कि कानून अंधा और बहरा नहीं है, बल्कि वो देखता है, सुनता है, महसूस करता है। वरना लोगों का इंसाफ से और अदालत से विश्वास ही उठ जाएगा। योर ऑनर, मेरे नजदीक जुर्म बीमारी नहीं गुनाह, और बड़ा जुर्म बड़ा गुनाह। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बलात्कार करने वाला भी गुनहगार नहीं बल्कि बीमार है। अदालत को उससे हमदर्दी करनी होगी, उसे बाइज्जत बरी करना होगा। उसे भी सजा नहीं दी जा सकती जिसने इसलिए किसी की जेब काटी है कि वो भूखा है। अदालत उस आदमी को भी सजा का फैसला नहीं सुना सकती जिसने जबरदस्ती किसी के घर पर कब्जा कर लिया हो सिर्फ इसलिए कि उसके पास रहने को घर नहीं है। और वो भी गुनहगार नहीं है मिलोर, जिसने अपना तन ढकने के लिए किसी के कपड़े उतार लिए हो। और ये औरत भी मुजरिम नहीं है योर ऑनर, कि जिसने अपने बांझपन पर पर्दा डालने के लिए एक मां की गोद से हंसता खेलता बच्चा छीन कर ममता का ढोंग रचाया है। मिलोर, कानून सबके लिए एक है। कानून अंधा है, अंधा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चेहरा देखकर फैसला नहीं सुनाता। हां, कानून बहरा है क्योंकि वो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं बहलता। और अगर ये सच है तो ये औरत यानी गीता मल्होत्रा मुजरिम है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ओवर रूल्ड, कोर्ट इज अडजर्न्ड।
डॉक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? रियली स्ट्रेंज कि आज की 20वीं शताब्दी में भी आपका कानून अंधा बहरा है। जज्बात कोई चीज ही नहीं, ह्यूमन वैल्यूज इंसानी मूल्यों की कुछ तो कदर होनी चाहिए। आपको औरत के जज्बात भी समझने चाहिए, खासकर गीता जैसी औरत। आपके ख्याल से क्या फैसला होना चाहिए? फैसला उन्हें फौरन छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है? ऑफकोर्स छोड़ देना चाहिए, ऐसे तो हर कोई गुनाह करेगा और कहेगा। करना ये हर कोई का केस नहीं। मैं गीता को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तो चीटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप कुछ कहना चाहेंगी? कितने दुख सहेगी, कितनी तकलीफ उठाएगी, कहीं तो अंत होना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में कभी मां न बनने का गम, कभी मां न बनने का क्लेश। कानून को उसके गम उसके क्लेश से कोई सरोकार नहीं। इतनी पढ़ी लिखी होकर वो किसी का बच्चा चुरा लाई है, सजा तो उसे मिलेगी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आईएएस अफसर है, बहुत कानून जानते हैं, लेकिन पत्थर हैं आप। दर्द क्या होता है, पीड़ा किसका नाम है, ममता क्या बला है, आप नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि तब बीमार है, रोगी है, वो स्वस्थ नहीं है। मैं उसका दुख भी नहीं बांट सकती। गीता जी, ईश्वर की कृपा से मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, आप मेरा बच्चा गोद ले सकते हैं। नीलू कपूर, कॉन्टैक्ट 5555। आज गीता वाले केस का फैसला सुनाया जाएगा। अरे भाई फैसला क्या होना है, आज तो उस औरत को सजा हो जाएगी। क्या आप उसे मुजरिम समझते हैं? क्या आप नहीं समझते? मेरी नजर में तो वो एक दुखियारी औरत है जो माँ बनना चाहती है। उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो मासूम। जब इस लड़की को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। बेचारी, अगर इसे सजा हो गई तो? ऐसा मत बोलो बहन, भगवान न करे इसको सजा हो जाए। The court is in session, Your Honor, इसने एक आदर्श माँ की तरह उसे फूल की तरह अपने पास रखा, ममता लुटाई उस पर, अपने जिगर का टुकड़ा समझकर अपनी जान से लगा के रखा, हर अरमान हर हसरत निछावर की उस पर। क्या इसीलिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? Your Honor, क्या ये चेहरा एक मुजरिम का चेहरा है? क्या मुजरिम ऐसे होते हैं? क्या गुनहगार इतने मासूम होते हैं? Your Honor, मैं अदालत से फिर एक बार दरखास्त करूंगा कि इस औरत को छोड़ दिया जाए, गीता मल्होत्रा को माफ कर दिया जाए। मैं अदालत से उसके लिए रहम की भीख मांगता हूं। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है Your Honor, वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। हम में से कौन है जो कह सकता है कि वो कभी भी अपने दिल के हाथों मजबूर नहीं हुआ? मुझे मिसेस चांदी शाह के साथ पूरी हमदर्दी है, क्योंकि उनका बच्चा कुछ दिनों के लिए उनकी नजरों से दूर रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि मिसेस चांदी शाह भी ये नहीं चाहेंगी कि गीता को सजा दी जाए। Your Honor, इस औरत के लिए एक छोटी सी सजा भी बहुत बड़ी सजा होगी Your Honor, वो उसे झेल नहीं पाएगी, वो मर जाएगी Your Honor, वो मर। That's all Your Honor. गवाहों के बयानात और सबूत जो अदालत में पेश हुए, उसकी रोशनी में अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि गीता मल्होत्रा कानून की नजर में मुजरिम है, लिहाजा अदालत ताजीरात हिंद के दफा 363 के तहत मुजरिमा को कसूरवार ठहराती है। लेकिन
ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन लेकिन कानून सामाजिक तकाजों से बेखबर नहीं, अदालत इस बात से बेखबर नहीं कि मुजरिमा पढ़ी लिखी बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती है और ना ही वो आदि मुजरिम है। इसलिए डॉक्टर की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अदालत गैर आदि मुजरिमों यानी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल मिलाते हुए मुजरिमा को आजाद करती है और बच्चे को उसके असली माँ बाप के हवाले करती है। ये बच्चा तो तुम्हारा ही है, ये बच्चा भी तो तुम्हारा ही है, ये बच्चा तुम्हारा है, ये बच्चा तो तेरा है, ये भी ले लो, ये भी, ये भी। अरे हटो भैया, हटो 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 बड्डी, ले 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 बेटी, ये बच्चा तो अब हमारा रहा नहीं, इसे तुम ले लो। हमने केस वापस लेने की अपील भी कर दी थी। हाँ रूपी, रूपी सुना आपने, लड्डू ने हमको माँ कहा, लड्डू माँ कहा, लड्डू मेरा बेटा, हम माँ हो गए भूपी, हम माँ हो गए। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।